अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा समन, कुक विद फ़ायज़ा में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लौकी की खीर की रेसिपी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे काजू बादाम किशमिश को चॉप कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये मेरे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब सेम उसी पैन हम थोड़ा सा घी और बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 kg लौकी को लिया है और इसको ग्रेट किया है और इसमें जो पानी निकला उसको अच्छे से पूरा निचोड़ दिया। और अब हम इस लौकी को डाल देंगे। मैंने घी में लौकी डाल दी और अब हम इसको भून लेंगे। लौकी को हम कुछ देर भूनेंगे, करीब 10 मिनट, ताकि इसकी जो लौकी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब ये मेरा काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 kg मिल्क। इसको अच्छे से चलाते भी रहेंगे साथ साथ में। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, एक खोल आने तक। जैसे ही मेरा एक खोल आ जाएगा तो हम इसको मीडियम पे कर देंगे फ्लेम को। मैंने यहाँ पे 1/3 कप सोक किए हुए साबुदाने के लिए हैं, इनको भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से चला देंगे धीमे धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। मैंने साबुदाने तकरीबन 4 से 5 घंटे सोक किए हैं। मैंने यहाँ पे 3 कप शुगर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। शुगर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से घटा भी बढ़ा भी सकते हैं और अच्छे से शुगर डाल के चला दीजिए आहिस्ते आहिस्ते। ये देखिए मेरी खीर थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमें अच्छे से इसको पकाना है। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम खोया और इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करके अच्छे से चला दूंगी।
मैं लौकी की खीर बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें ग्रीन कलर का ही यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे लिक्विड में ग्रीन कलर लिया है, इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और अच्छे से धीमे धीमे चला देना है। कलर आपका हल्का सा कम लगे, वैसे कम ही करके डालिएगा, अगर कम लगता है तो हल्का सा आप और बढ़ा सकते हैं, बहुत हल्का ही डाल यूज़ करिएगा कलर। देखिए कितनी अच्छी बनके इसकी कंसिस्टेंसी बनके तैयार हो गई है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, सारी लौकी भी मेरी इसमें मिक्स हो चुकी है। ये देखिए मेरी लौकी की खीर मोस्टली बनके रेडी हो ही गई है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर, और अच्छे से चला देंगे। तो ये देखिए मोस्टली लगभग मेरी खीर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे उन्हें ऐड कर देंगे, थोड़े ही से ऐड करेंगे, सारे नहीं ऐड करने हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा, अब मेरी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब हम अलग बर्तन में इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार है गर्मा गर्म लौकी की खीर, ये बहुत अच्छी बनी है टेस्ट में, एंड बाय लुक भी देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आया है, बिल्कुल अलग हटके। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।